हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसन के चीले। पहले भी मैं बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन ये एक और दूसरे टेस्ट के साथ हम बना रहे हैं। ये वाली जो कटोरी है ना, ये मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। ये 2 कटोरी बेसन लेंगे हम। इसमें मैं डालूंगी ये किचन किंग 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून के करीब हम लेंगे हल्दी पाउडर, और 1 कटोरी में 1 पैकेट के हिसाब से हम डालेंगे ऑरिगेनो। ये मेरे पास कुछ पैकेट पड़े थे तो मैं वो यूज कर रही हूँ। और चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1-1 पैकेट में और डाल रही हूँ, तो दूसरा पैकेट भी हम डाल देंगे। और चिली फ्लेक्स आप, मैंने पहले भी बोला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं 1 कटोरी में 1 पैकेट यूज कर रही हूँ, तो 2 कटोरी बेसन लिया है, मीडियम साइज की कटोरी है, तो हम ये दोनों पैकेट इसमें डाल लेंगे और इसको करेंगे मिक्स। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक घोल बनाएंगे, जैसे हम बेसन के चीले का घोल बनाते हैं। मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से हमने इसका बैटर बना लिया है। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, टेस्ट करके आप देख लीजिएगा। और ये देखिए, मैंने प्याज को बहुत फाइनली चॉप कर लिया है इसमें, बिल्कुल जैसे ग्रेट करते हैं ना, उतना पतला हमने प्याज को काटा है। तो अब वो भी हम इसमें डाल देंगे। 1 बड़े साइज की प्याज हमने ली है और इसको करेंगे मिक्स। इसको मिक्स करेंगे, देखिए कितनी फाइन कटी हुई है ये प्याज। और यहां ना आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए, अगर नमक कम लग रहा है तो आप डाल दीजिए, और जो भी मसाला आपको कम लग रहा है आप और ज्यादा डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च काटना चाहें हरी मिर्च काट सकते हैं, धनिया है तो धनिया ले सकते हैं इसके बीच में। तो देखिए, ये अब हमारा जो घोल है वो बनकर तैयार है, बेसन का घोल बनकर तैयार है, और इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद बनाते हैं इसके यमी से लगने वाले चीले। ये देखिए, हमने एक घोल तैयार कर लिया है, 10 मिनट इसको रखे हुए हो गए हैं, और अब हम इसको फैलाते हैं। तो सबसे पहले आप सेंटर में डाल दीजिए और उसको ऐसे घोल आप फैलाइए। तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए चीले बनाने के लिए। ये देखिए, इस टाइप से जितने भी बड़े आप बनाना चाहते हैं उतने आप बड़े बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये फैल गया, तो इसके सिकने की करते हैं इंतजार। और देखिए, जब ऐसे ऊपर से थोड़ा कलर चेंज हो जाए, नीचे से थोड़ा सा सिकना सा शुरू हो जाए, तो आप उस समय हल्का सा लगा सकते हैं इस पर घी, घी या ऑयल जो भी आप खाते हैं वो लगा लीजिए। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसको आप चेक करेंगे ऐसे, आप अगर नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो बहुत इजीली ये उतर जाता है। तो अभी हम सिकने देते हैं इसको, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको। और ये देखिए कितना बढ़िया ये चीला सिक गया है। इधर भी आप चाहें तो हल्का घी लगा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। जो लोग घी नहीं खाते ना, वो कम घी में इस तरह से भी खा सकते हैं। तो ये चीले जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और ये देखिए, इधर से भी अच्छे से सिक गया है, दोनों तरफ से हमने इसको सेक लिया है। अब हम इसके करते हैं प्लेटिंग, इसको निकाल लेते हैं और एक और चीला मैं आपको डाल के बताती हूँ। सेंटर में हम डालेंगे बेसन, जितना भी बड़ा चीला बनाना है उतना डालकर आप इसको फैलाइए। तवा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आप इसको चारों तरफ से फैला लीजिए और अब इसके सिकने की इंतजार कीजिए। और ये देखिए, हमने इस पर घी लगा दिया है और ये बहुत अच्छे से सिक रहा है। अभी हम इसको पलट के देखते हैं। दोनों तरफ से हम इसको हल्का हल्का घी लगा के सेक लेंगे और यकीन मानिए ये चीले बहुत अच्छे बनते हैं। आप थोड़ा सा भी टेस्ट इसमें, जैसे हमने ऑरिगेनो डाल दिया, तो उस तरह से चेंज करके आप इसको बना सकते हैं, तो आपको चेंज भी लगेगा और रोज नया नाश्ता भी खाने को मिलेगा।
और ये देखिए इधर से भी ये सिक गया है, तो करते हैं चीले की प्लेटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत कम समय में बनने वाले हमारे ये यमी से चीले बनकर तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।